हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज अपने साथ है हीरो की स्ट्रीम 125R और चलने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट कि पर लीटर में ये कितना देती है एवरेज। और इसकी सर्विस हो चुकी है, सेकंड सर्विस भी हो चुकी है और अब देखते हैं इसका क्या एवरेज रहने वाला है। तो अभी हम मैकेनिक की दुकान पे थे, वहाँ पे इसका जितना टैंक का जितना फ्यूल था वो हम लोग ने निकाल लिया है। एंड तो गाइस, ये रहा पूरा 1 लीटर फ्यूल और अभी करते हैं इसको फिलअप, फिर आपको बताते हैं कितना एवरेज रहने वाला है। और अभी जो इसमें थोड़ा सा अभी फ्यूल बचा है वो भी अभी रन करके इसका सारा फ्यूल इसका मैक्सिमम एकदम ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा फ्यूल डाल के। ये रहा है अपना फ्यूल निकला, तो चलते हैं बाइक पर, मिलते हैं आपसे बाइक पर। स्टार्ट हो गई है पूरा इसका फ्यूल। तो गाइस, बाइक हो चुकी है स्टार्ट। अब इसका पूरा फ्यूल जब एकदम से सारा फ्यूल जब इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको फिलअप करेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या एवरेज रहने वाला है। मैकेनिक की शॉप पे जाके इसका जो फ्यूल था, जितना भी फ्यूल था टैंक का, वो सारा फ्यूल निकाल लिया है। बट अभी भी इसमें थोड़ा सा फ्यूल रह जाता है, फ्यूल पंप में फ्यूल रह जाता है एंड टैंक में भी थोड़ा बहुत फ्यूल रह जाता है। तो इससे आपको प्रॉपर नहीं पता चलेगा कि इसका एवरेज क्या रहने वाला है। और जब ये पूरी तरह से इसका फ्यूल जब इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसको फिलअप करूँगा फिर से 1 लीटर फ्यूल और फिर देखते हैं इसका क्या एवरेज रहने वाला है। तो अभी चलेंगे, थोड़ा सा राइड करेंगे और थोड़ा सा स्पीड हाई स्पीड में राइड करते हैं और इसके फ्यूल को पूरा ख़त्म करते हैं। गाड़ी जो इसका एवरेज क्लेम करती है वो 66 पर किलोमीटर क्लेम करती है, बट आप जानते हैं गाइस, जो कंपनी क्लेम करती है उतना तो एवरेज बाइक कभी नहीं देती है, थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो और लोगों ने निकाला है इसका एवरेज, वो 60 के आसपास का एवरेज निकल के आया है बाइक का। बट अभी अपन निकाल के देखते हैं कि क्या एवरेज का रहने वाला है। और अभी करेंगे इसकी ट्रिप को ज़ीरो, पूरी तरह से ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद निकालेंगे सही से इसका एवरेज। तो भगाएंगे बाइक को और बाइक बैठ रही है, जब उसको खींच रहे हैं तो बाइक थोड़ी सी बैठ रही है, इसका मतलब फ्यूल जो है ख़त्म हो रहा है इस बाइक का। अभी पूरी तरह से जब प्रॉपर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, 1 लीटर फ्यूल डालूंगा इस बाइक में, फिर देखते कितना ये चलेगी। पूरी तरह से ख़त्म हो जाए गाइस, आपको जनरल रिजल्ट दूंगा मैं इस पूरे माइलेज टेस्ट का, आपको इसका जनरल रिजल्ट मिलने वाला है। बताते हैं थोड़ा सा और एकदम रस एंड टाइम को चलाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं आपका भाई इतना रस चलाता है बाइक, एंजॉय करिए, जैसा कि आपको जानते हैं आपका भाई एंजॉय करता है बाइक को। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बाइक बैठ रही है, रीज़न ये है कि फ्यूल बहुत कम है बाइक में और फ्यूल ख़त्म हो चुका है बाइक का। अभी एकदम जब ख़त्म हो जाएगा तब इसमें फिलअप करेंगे। गाइस, बाइक झटके ले रही है अब एंड मुझे लगता है फ्यूल एकदम का ख़त्म होने वाला है। अब देखिए गाइस, बाइक झटके लेना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं इसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बाइक भाग नहीं रही है, बाइक दब रही है, ये फ्यूल ख़त्म होने वाला है इसका एकदम। और देखिए गाइस, दब रही है बाइक और झटके ले रही है और इसका फ्यूल हो चुका है ख़त्म। और अभी करते हैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट कोने में चल के और फिर देखते हैं, बाइक बंद हो रही है, बाइक झटके ले रही है देखते हैं झटके ले कहाँ तक चलती है बाइक। तो गाइस, फिर उसका हो गया है ख़त्म, मुझे तरह से मुझे लगता है
नहीं रही है गाड़ी, एकदम एकदम खत्म हो चुका है फ्यूल इसका। करते हैं, देखते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक। तो गाइस देखा आपने, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और फ्यूल हो चुका है पूरी तरह से इसका, ख़त्म हो चुका है। और जो इस फ्यूल अपने बैग में खड़ा है 1 लीटर, और अब डालते हैं उस फ्यूल को और फिर करते हैं इसका टेस्ट कि कितना ये एवरेज दे रही है। तो सबसे पहले करेंगे इसकी ट्रिप ट्रिप बी को ज़ीरो। आप देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले करेंगे ट्रिप बी को ज़ीरो और फिर करेंगे ट्रिप ए को भी ज़ीरो। ये देखिए गाइस, अब किया ट्रिप ए को भी ज़ीरो, तो ट्रिप बी एंड ट्रिप ए दोनों ज़ीरो हो चुकी है। अब करते हैं इसको फ्यूल, इस गाड़ी में डालते हैं फ्यूल और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या इसका एवरेज रहने वाला है और सब जेन्युइन रहेगा। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बैग से 1 लीटर फ्यूल पूरा, और उसके बाद करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है अपना 1 लीटर फ्यूल, और अब डालेंगे इस फ्यूल को टैंक में और आप ये और एकदम जेन्युइन ये रहने वाला है, ये रहने वाला है माइलेज टेस्ट, एकदम जेन्युइन रहेगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रॉपर निकल के आएगा अब इसका क्या एवरेज रहने वाला है। और गाइस इसकी सर्विस हो चुकी है, दोनों सर्विस हो चुकी है, सेकेंड सर्विस भी हो चुकी है। और ये देखिए गाइस, बिना गिरे, ये देखिए गाइस, ऐसे करने से बहुत जल्दी फ्यूल टैंक में चला जाता है और बिना गिरे गाइस, देखिए फ्यूल को मैंने डाल दिया, एक बूंद भी वेस्ट नहीं हुआ है फ्यूल। अब करेंगे एक बाइक को स्टार्ट और फिर देखते हैं क्या एवरेज निकाल के दे रही है। और कंपनी जो क्लेम करती है वो तो 66 पर किलोमीटर क्लेम करती है, और अभी देखेंगे क्या एवरेज का रहने वाला है। गाड़ी हो गई स्टार्ट और अब गाड़ी हो गई गाइस स्टार्ट, देखते हैं क्या इसका एवरेज रहने वाला है। और एकदम प्रॉपर जिस तरह चलाते हैं बाइक, हम उसी तरह बाइक चलाएंगे, रफ एंड टफ, और सिटी में जिस तरह चलाते हैं बाइक, जिस तरह बाइक चलेगी, बार बार गियर डाउन होंगे अप होंगे और थ्रॉटल को भी अप एंड डाउन किया जाएगा, सारी चीज़ें जिस तरह सिटी में प्रॉपर तरीके से बाइक चलती है उस तरह बाइक चलाएंगे, उससे प्रॉपर आपका सिटी का जो एवरेज है वो निकल के आएगा। तो अभी प्रॉपर तरीके से उसका एवरेज निकल के आ जाएगा आपके सामने थोड़ी देर के बाद, एंड काफ़ी टाइम लग जाता है गाइस, और गर्मी बहुत ज़्यादा है लखनऊ के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में एवरेज निकालने में काफ़ी वैसे भी टाइम लगता ही है एवरेज निकालने में। और समझिए अगर इसका कंपनी क्लेम करती है 66 पर किलोमीटर, अगर इसका 60 भी हुआ तो मुझे 60 किलोमीटर इस बाइक कंटिन्यू इस बाइक को राइड करनी पड़ेगी और तब जाके इसका एवरेज निकल के आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस एवरेज निकालने में, इन बाइकों में हालत ख़राब हो जाती है, 2-2 घंटे बाइक चलानी पड़ती है, इतनी मेहनत से गाइस आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे प्यारा सा, तो आपके भाई को हौसला मिलेगा और इसी तरह आपके लिए बेहतरीन सी वीडियो आपका भाई आपके लिए जाता रहेगा। अगर आप तो एक लाइक आप कर देते हैं तो इससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा। तो बस एक लाइक की आपसे रिक्वेस्ट है और वीडियो को एंजॉय करिए, और अभी 1-1.5 घंटे के बाद समथिंग आपको इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। टेस्ट चलूँगा तो फ्यूल जल्दी कंज्यूम होगा बाइक का, साढ़े 8 किलोमीटर चल चुकी है आप देख सकते हैं ट्रिप में। एंड ये अभी अपने लखनऊ में नया हाईवे बनाया, आप देख सकते कितना खूबसूरत कितना प्यारा हाईवे है, और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे आई गेस यहाँ पे पार्क बनने वाला है या बनने वाला है, अभी बन चुका ही होगा तब पता चलेगा ये यहाँ पे क्या, बट आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हाईवे बन चुका है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा यहाँ का आप देख सकते हैं व्यू, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और अपनी बाइक भी चल रही है और 9 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है अभी, और अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या रहने वाला है। तो गाइस अपने सामने है एक बहुत ही प्यारी सी कार, और लेक्सस, ये मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
ये किस ब्रांड की कार है और काफ़ी खूबसूरत सी एसयूवी है ये, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। एंड पीछे से लुक काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट का लुक कैसा होने वाला है वो अभी पता चलेगा थोड़ा सा आगे मैं जब जाऊँगा तब। हाँ भाई लेक्सस की है ये, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत सी कार है। पूरा शहर का चक्कर लगा लिया मैंने, और ये रही देखेगा इस लेक्सस, क्या लग्जरी गाड़ी है भाई, क्या लग रही है भाई, क्या एक्सक्यूटी है, ये बहुत प्यारी लग रही है लेक्सस RX 500H, क्या गजब का एक्सक्यूटी बनाया लेक्सस साहब ने। और ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है प्राइस कार के बारे में, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कैसी है, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी है लग्जरी। तो आप देख सकते हैं गाइस 20 किलोमीटर हो चुका है अपनी बाइक, मैं लगातार इसको चला रहा हूँ, कंटिन्यू इसको चला रहा हूँ और ये 20 किलोमीटर हो चुका है और अभी देखते हैं और कितना चलेगी। अभी 100 के ऊपर गाइस हमें लगता है, 50 के ऊपर तो गाइस ये कम से कम 50 के ऊपर तो ये बाइक चलेगी अभी, तो अभी 30 किलोमीटर मुझे और चलाना है तब देखते हैं। और ये देखिए गाइस एक बहुत ही प्यारी सी BMW M, क्या बात है गाइस, क्या लग रही है गाइस, आपने देखा क्या खूबसूरत सी आपको कार दिखाई हमने, कितनी प्यारी सी कार थी। एंड आते हैं फिर अपनी बाइक पे और अभी देखते हैं ये कितना और चलेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी 31 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है और 6:38 हो गया, आप देख सकते हैं इसमें टाइम भी दिखा रहा है और मैं काफ़ी देर से बाइक को राइड कर रहा हूँ। अभी अभी ये समझ लीजिए आधा ही हुआ है, अभी मेरे मेरे अंदाजे से ये 25 से 30 किलोमीटर और रन करेगी बाइक। एंड अभी देखते हैं प्रॉपर अभी निकल आएगा इसका क्या एवरेज रहने वाला है, और काफ़ी देर से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, थोड़ी जो क्लेम करती है उतना एवरेज देती है कि उससे कम देती है कि उससे ज़्यादा देती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी देर के पास। तो आप देख सकते हैं अभी 42 किलोमीटर चल चुकी है बाइक और अभी फ्यूल नहीं ख़त्म हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं अपनी बाइक फाइनली 50 किलोमीटर चल चुकी है और आप देख सकते हैं 50 के एम्पियर ये चल चुकी है, 50 का एवरेज तो निकल आया है और अभी भी बाइक चल रही है, अभी भी बाइक में फ्यूल है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर ये कितना एवरेज आपको निकाल के देगी बाइक। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया एवरेज को निकालने में, काफ़ी देर से मैं लखनऊ पूरे लखनऊ सिटी में घूम रहा हूँ इसके किलोमीटर्स को पूरा करने के लिए, और प्रॉपर 1 लीटर फ्यूल डाला था बाइक के अंदर और आप देख सकते हैं बाइक अभी भी चल रही है और 50 किलोमीटर बाइक अपनी चल चुकी है, रन हो चुकी है। तो अभी और ये बाइक चलेगी, बहुत अच्छी चीज़ है, एवरेज काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस बाइक का, 125 सीसी के सेगमेंट में इतना अच्छा एवरेज दे रही है, बाइक को परचेज कर सकते हैं और लुक्स के साथ साथ इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा है। अभी अगर इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसके कंपेटिटर में राइडर आती है, तो इस राइडर का भी एवरेज आपको निकाल के दिखाएंगे कि क्या एवरेज उसका होने वाला है, बट अभी अपनी बाइक का जो एवरेज है वो 50 के ऊपर ही, देखिए 51 किलोमीटर होने वाला है, 50 के ऊपर ही हो गया है। अभी देखते हैं और कितना ये चलने वाली है, एकदम आखिरी एंड तक देखता हूँ ये बाइक कितना एवरेज आपको निकाल के देगी। सो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी का फ्यूल हो चुका है ख़त्म और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 57.5, तो 57 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और आप देख सकते हैं ट्रिप ए और ट्रिप बी में भी 57 किलोमीटर होगा, ट्रिप बी में भी 57 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, तो इसका एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 57 किलोमीटर। को स्टार्ट करके दिखा दूँ बाइक, स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक, आप देख सकते हैं गाइस पूरी तरह से इसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है और ये बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हैं गाइस बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, इसका जो एवरेज निकल के आया है वो 57 के एम्पियर निकल के आया है और कंपनी जो क्लेम करती है वो 66 किलोमीटर क्लेम करती है, बट आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने ये जेन्युइन रिजल्ट है और प्रॉपर 1 लीटर मैंने इस पर तेल डाला था, आप देख सकते हैं 57.5 के एम्पियर का ये एवरेज निकाल के दे रही है और इसकी सेकेंड सर्विस हो चुकी है, तो ये आपको रिज़ल्ट निकल के आ गया इसके एवरेज का। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी गाइस इस वीडियो के लिए, मैं काफ़ी देर से बाइक को राइड कर रहा हूँ, तो
60 किलोमीटर तकरीबन मैंने राइड की, 57 किलोमीटर बाइक को राइड की है, अब जाके इसका जेन्युइन रिज़ल्ट निकल के आया है। तो ये इसका है रिज़ल्ट। तो गाइस इसका रिज़ल्ट निकल के आ चुका है, आप देख लिया, आपने देखा 57.5 किलोमीटर ये चली है। बस एवरेज निकाल के दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं आपसे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में बाय।